अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं N42 मीडिया। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर चिड़ियाघर में, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा हुजूम है। आए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या देखा और उन्हें कैसा लगा यहाँ पे आकर। उन्होंने यहाँ पे क्या देखा है? यहाँ पे जितना रश है, अंदर जाने की इजाज़त मिलती है क्या आपको? जी जी मिलती है, बंदर देखने आए इसके जैसे। अंदर गए हैं आप या नहीं? पहले दिन गए थे। फैमिली के साथ आए हैं या अकेले आए हैं? पहले फैमिली के साथ है, अब अकेले आए। आज बहुत रश है। सही। और आपने यहाँ पे एंजॉय किया? जी बहुत ज़्यादा। अभी तो गए, जाने लगे हम, पता नहीं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे तो अंदर जाने की जगह ही नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? चले जाएंगे बढ़ बुढ़ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीन असलम। आप यहाँ पे जू घूमने के लिए आए थे? आए तो थे, मगर जितना रश है वापिस जा रहे हैं भाई से, क्योंकि फैमिली के साथ तो नहीं इंसान जा सकता जितना। तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके से चले जाएं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखना, फैमिलीज हो ना खाली, तो वो और बात है। ये लड़के भी काफी आए हूँ मैं, वो फैमिलीज के लिए वो चीज़ प्रॉब्लम होती है, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली को तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इन दिनों में, खास तौर पर यहाँ। नहीं, बच्चों का तो शौक होता है ना ईद पे कि हम लोग जू जाए, जू में जानवरों को देखें। बिल्कुल देखें, बच्चों से तैयार होके आए हैं, जू के लिए ही आए थे जानवरों को देखने, मगर कितना रश है वो देख के मुझे नहीं लग रहा कि जा पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा अंजुम अमीन। आपको क्या लगता है कि आपकी शोहर को चाहिए कि वो बच्चों को साथ लेके जाए आपको अंदर या नहीं? नहीं, ट्राई नहीं करना चाहिए, बहुत रश है। हम लोग घर से यही निकले थे कि हम लोग बच्चों को लेके जाए, कि बच्चे अभी छोटे हैं, फर्स्ट टाइम देखना उन्होंने, लेकिन अभी रश बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाइका। यहाँ पे जू आए हो आप, तो यहाँ पे आप क्या देखने के लिए आए थे? जानवर। कौन सा? शेर। तो देखा, मतलब हो क्या गई अंदर से? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि मैं देख के आ गई हूँ? तो अंदर जाने का दिल कर रहा है आपका, पर यहाँ पे तो रश इतना ज्यादा है कि आपसे जाया नहीं जाएगा। मम्मा हाथ पकड़ के ले जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। आप यहाँ पे जू देखने के लिए आए थे? यस। मम्मा के साथ आए हो या अकेले आए हो? मम्मा पापा के साथ। अच्छा, कजन्स वगैरह भी साथ है? नहीं है। अच्छा, सही है। अंदर गए हो या नहीं गए अभी? अभी नहीं गए, अभी टिकट लेने। तो क्या रहता है यहाँ पे इतना रश है, तो आप जाओगे? यस, शौक से आ जाएंगे। तो अगर ना जाएगा तो फिर क्या करोगे? फिर हम पार्क जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको जू के अंदर आने की कैसे मिल गई, मतलब पापा लेके आए? धक्के मिले हैं या फिर वैसे ही आ गए हो? मिले हैं धक्के। ज्यादा या थोड़े? थोड़े से। अच्छा, जू में आए हो तो यहाँ पे क्या देखने के लिए आए हो? ये एनिमल्स वगैरह। कौन सा फेवरेट है आपका एनिमल? लायन। लायन तो देखिए। नहीं अभी आए हैं, अभी देखेंगे। क्या नाम है आपका? फातिमा। जू में आए हो, क्या देखने के लिए आए हो? शेर देखने के लिए आए हो या चीता देखने के लिए आए हो? शेर। चीता नहीं देखना? क्यों? दोनों एक जैसे तो होते हैं, प्यारे प्यारे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमरा। आप जू आए हो, तो आपने मैंने आपको देखा आप टिकट्स लेके आए हो, तो आपको कितने मिली है टिकट? 7 टिकट। एक टिकट। तो कुल कितने लोग हो जो यहाँ पे जू घूमने के लिए आए हो? 8 लोग हैं। मतलब खर्चा है? हाँ। अभी अंदर जाए, खाने पीने भी तो है ना? हाँ जी बिल्कुल। ना खर्चा पक्का करोगे आप? हाँ, जाहिर बात है। जितना यहाँ पे रश है, अंदर तो जाए नहीं जाना? नहीं, फिर भी अब जाना तो है ही, अगर आ गए तो फिर एंजॉय भी करेंगे। अगर रास्ता ना मिला तो आपकी टिकट जाया हो गई, तो फिर ऐसा होगा ही नहीं। हो भी सकता है वैसे? नहीं होगा। अगर अंदर जाकर रास्ता ना हुआ तो कहाँ से जाओगे आप? शाम भी हो जाए, हम जाकर ही रहेंगे फिर। आप यहाँ फैमिली के साथ आए हैं? जी, मैं हम बच्चों को लेकर आए हैं। तो आपको यहाँ पे आने में दुश्वारी नहीं हुई? बहुत मुश्किल हुई, बहुत क्राउड है वहाँ, बहुत ज्यादा रश है लोगों का। टिकट आसानी से मिल गई थी या मुश्किलों से लेनी पड़ी? नहीं, थोड़ी सी इजीली मिल गई थी, लेडीज साइड पे इतना नहीं था तो इजीली टिकट्स मिल गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कर्म मुस्तफा। कहाँ से आए हैं? शेखपुरा से। दोस्तों के साथ आए हैं, घर वाले के साथ आए हैं? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ आपको ये जगह मिली है फील करने के लिए? जी, लेकिन हम आए कहीं और थे, अब यहाँ पे आ गए हैं। किसी और जगह प्लान था तो बाद में वो बंद था, फिर इधर आ गए। कहाँ का प्लान था आपका? हमारा आर्मी म्यूजियम। वहाँ पे क्या चीज पसंद है आपको, जो आपको देखने के लिए आए थे? वहाँ पे इस वजह से आए थे, वहाँ पे पुरानी चीजें हैं तो वो हम लाइक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज ईशा। कहाँ से आए हो? गुजरावाला।
गुजरावाला से यहाँ पे आप जू देखने के लिए आए हो? नहीं, मतलब कि ईद गुजारने के लिए यहाँ पे हमारी पप्पा रहती हैं, इसलिए तो हमारा प्लान बन गया कि हम जू आए। फर्स्ट टाइम आए जू? नो, बचपन में आए थे, अब बड़े हो गए तो इसको दिखाने लगे। ईद पे कहाँ कहाँ जाते हो? अपने घर से इधर आ जाते या घर चले जाते? बस इतना ही आपका है, इतना एरिया बस सेट किया हुआ है कि आपने यहीं पे जाना है, यहीं पे रहना है? इतना ही रास्ता आता है, उतना ही उससे आगे आगे आते ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या चीज़ फेवरेट है जो देखने के लिए आए? इंसान, ये वाला बच्चा। बस बच्चे देखने के लिए आए हो? तो बच्चे आपके घर में नहीं थे क्या? इमोशनल डैमेज। आप इस वक्त ज़ूम में हो तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा है? सारे एनिमल्स देखे, लाइन देखे, शेर देखे। लाइन और शेर एक नहीं होता? ठीक है, ज़्यादा फेवरेट आपको यहाँ पे कौन सा जानवर है? स्पैरो। स्पैरो क्यों अच्छा लगता है आपको? पढ़ते हुए वो इतने क्यूट होते हैं। क्यूट होते हैं, कभी रखे हैं आपने? जी। एज ए पेट रखते हो? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? हसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? सैयद अली रजा। कहाँ से आए हैं आप? मुगलपुरे से। मुगलपुरे से यहाँ पे जू में आप आए हैं, इजीली आ गए थे या फिर आपको आने में थोड़ी मुश्किल हुई है? थोड़ी मुश्किल हुई है टिकट लेने में। फैमिली के साथ आए? नहीं, फ्रेंड्स आए हैं। क्या चीज़ यहाँ पे आपको पसंद है जो आप देखने के लिए आए हो? लाइन पसंद है। आपको क्या पसंद है? लाइन ही पसंद आया। वैसे तो हम शुरू से काफी देर से आते रहते हैं इधर, तो गांव से कजन आए थे, उन्हें भी हमने कहा एंजॉय करवा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पे या फैमिली के साथ? दोस्तों के साथ हैं। कहाँ से आए हैं? मियांवाली से। मियांवाली से इतनी दूर यहाँ पे लाहौर में आप चिड़ियाघर देखने के लिए आए हैं? मैं तो वैसे बेसिकली सिर्फ इमरान खान को मिलने आया हूँ, लेकिन दोस्तों ने इधर मैं चिड़ियाघर ले आए तो मतलब आपको इमरान खान का शौक यहाँ पे ले आए? हाँ, मैं तो बेसिकली जो मेरा शौक था ना वो तो मैं इमरान खान के लिए आया, उधर तो मैं मुझे कुछ चीज़ भी पसंद नहीं आई। आपको यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगी है? मैं मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा। और फिर भी आप अभी तक यहाँ पे हैं? हाँ, बस मैं दोस्तों की वजह से इधर ही आए। ज्यादा पसंद कौन सा जानवर है आपको? पैरेट। टाइगर पसंद है? और टाइगर क्या खाते हैं? कौन सा वाला टाइगर देखा? कभी पास गए हो टाइगर के? अभी व्हाइट टाइगर देखा था। बताओ व्हाइट कलर का देखा? ईद पे कहाँ कहाँ जाते हो आप? मजा, मतलब मजे करते हो काफी? ईद कितनी कटी हुई थी आपको बताओ? सबने दी थी ना, बताओ। ज्यादा पैसे थे या थोड़े थे? पैसे थे या गिफ्ट थे? गिफ्ट नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हादिया। आपको यहाँ पे आने में मुश्किल हुई या इजीली आ गए थे अंदर? इजीली आ गए थे। दे सही है। और आपने अभी तक यहाँ पे कौन कौन से जानवर देखे हैं? सारा कुछ देख लिया। सारा कुछ देख लिया जी। ज़्यादा फेवरेट आपको यहाँ पे कौन सा जानवर है? मोर। मोर क्या खूबी लगती है उसकी आपको जो आपको इतना पसंद है? मोर वैसे ही अच्छा लगता है मुझे। वैसे ही अच्छा लगता है। सही है। और आपको यहाँ पे कुछ खाया पिया? जी, बर्गर खाया। महंगा था या सस्ता था? महंगा था। मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेहर मीर। जू में आया तो जू में इजीली आ गए हो या फिर आपको धक्के वगैरह खा के आना पड़ा? बहुत प्रॉब्लम हुई है आते हुए, पहले तो आधा घंटा बाहर वेट करना पड़ा टिकट्स बहुत मुश्किल से मिली हैं। उसके अलावा एक दूसरे को धक्के देते हैं, बातें सुनाते हैं सब, तो बहुत मुश्किल से अंदर। यहाँ पे आते हुए किसी से लड़ाई हुई है आपकी? जी, एक लड़की से हुई है, धक्का लगा उससे तो उसने मुझे बोला तो आगे से मैंने उसे बोला। तो मतलब हाथों वाली लड़ाई हुई है या फिर बस मुंह वाली? मुंह से ही हुई है। ठीक है। आपने अभी टिकट्स की बात की है, तो यहाँ पे टिकट्स के रेट डिफरेंट है या एक जैसे ही है? एक जैसे ही। कितने में मिली आपको? 70 में। आप कितने लोग आए यहाँ? हम 8। सही है। और आपको यहाँ पे फेवरेट जानवर कौन सा है? यहाँ पर लाइन। लाइन क्या खूबी लगती है उसकी आपको जो आपको इतना पसंद है लाइन? वो मुझे शुरू से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो जिस तरह से बोलता है और जिस तरह से घूमता है, उसका घूमना सब कुछ पसंद। कभी इसके पास जाकर उसकी आवाज सुनी है? अभी सुन के आई हूँ। डरे नहीं लगता है? डर बहुत ज्यादा। मैं तो क्यों पसंद है वो चीज़? वो पसंद करनी चाहिए ना कि जिसके पास मतलब पास भी जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लगता है ना बहुत ज्यादा इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। कहाँ से आए हो आप? हम लाहौर से। लाहौर से आए हो, ठीक है। जू में आपको क्या पसंद है? जी, जू में चिड़ियाघर में आपको क्या चीज पसंद है? शेर। शेर पसंद है? शेर देख लिया आपने? नो। बंदर नहीं पसंद आपको? पसंद है। बंदर ज्यादा फनी होते हैं वैसे? ठीक है। क्या बंदर देखे हैं वैसे? हाँ जी। ठीक है। और क्या क्या देखा यहाँ पे? सब कुछ देखा। खाना खाया पिया कुछ के नहीं? No, नहीं खाया। अभी खाना है। कब से आए हो? अभी तो घंटा हो गया। घंटा हो गया। घंटे में क्या क्या देखा?
अभी देखा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रहा। कहाँ से आए आप? जलमोड़ से। जलमोड़ से आपको यहाँ पे क्या चीज पसंद है जो आप देखने के लिए आए यहाँ पे? यही देखने आए हैं कि इधर से कहते बहुत अच्छा माहौल है, चिड़ियाघर बड़ा चिड़ियाघर है, बस है यही देखने हैं और क्या देखने हैं। यहाँ पे क्या चीज है आपकी फेवरेट जो आप देखने के लिए आए हो? बच्चे कह रहे थे शेर। शेर मतलब फैमिली के साथ आए हो? हाँ जी। मैरिड हूँ? नहीं। सही है। और बच्चों ने और कोई फरमाइश की है अभी तक या नहीं? कोई भी नहीं, शेर ही देख रहे हैं अभी। क्या नाम है आपका? वली हसनैन। आप यहाँ पे ज़ू में आए तो आपको फेवरेट जानवर कौन सा है? लायन। ठीक है, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ आप उसे आंसर दोगे? जी। चलो यही बता दो लायन क्या खाते हैं? गोश्त। अभी खिलाया उसे? नहीं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कैसर हयात। यहाँ फैमिली के साथ आए हैं दोस्तों के साथ? बस दोस्तों के साथ हैं। दोस्तों के साथ ज़ू में चिल करने के लिए? चिल करने के लिए। आपको यहाँ पे ऐसा क्या पसंद है जो आप चिल करने के लिए यहाँ पे आए हैं? बस आउटिंग हो जाती है और खास में। कोई जानवर यहाँ पे आपका फेवरेट? ज़ेब्रा। ज़ेब्रा क्या खूबियाँ उसकी? बस रंग और कलर पसंद है। बस कलर पसंद है आपको? पसंद है। मेन मकसद ये है कि आउटिंग हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है दोस्तों के साथ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे, आप यहाँ के डिप्टी इंचार्ज हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पे जानवरों के लिए क्या इकदाम करते हैं, यहाँ पे जानवरों की सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है? ज़ू में ख़ास तौर पर जो ईद के मौके होते हैं उसके ऊपर विजिटर रश बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है। बच्चों की मकबूल तरीन जगहों में से ये है और बहुत सारे लोग हमारे पास विजिट कर रहे होते हैं। आज भी जो हमारा 3 दिन का विजिटर है अगर हम देखें तो तकरीबन 90,000 के करीब लोग हमें 2 दिन में विजिट कर चुके हैं। इस हवाले से हमारा फोकस एक विजिटर सिक्योरिटी के साथ साथ एनिमल सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो ख़ास तौर पर जो इन दिनों में विजिटर रश को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की खिदमत ली जाती हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस ये शामिल है, और इसके साथ साथ फिर जो रेस्क्यू 112 हिलाल अहमर के अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए किसी विजिटर के साथ तो उसमें हम उन्हें फर्स्ट एड दे सकें। इसके साथ साथ जो है हमारा पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट से भी कुछ जो वाइल्ड लाइफ वॉचर्स और इंस्पेक्टर्स हैं उनकी खिदमत भी ली जाती हैं ताकि जो सिक्योरिटी है यहाँ पर उसको यकीनी बनाया जा सके। मीन वाइल हमारे तमाम ज़ू के स्टाफ की स्पेशल ड्यूटीज लगती हैं, डायरेक्टर ज़ू से लेकर हमारा जो तमाम स्टाफ है, जो लोअर स्टाफ सब मौजूद होते हैं। दिन के टाइम पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की तादाद बढ़ा दी जाती है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, और इसी तरीके से CCTV कैमरास मौजूद हैं उसकी सर्वेलेंस की जा रही होती है। मकसद ये होता है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं एक स्मूथ फ्लो उनका रहे, उनको विजिट करने में आसानी रहे और वो अपना दिन खुशगवार बना के जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए तो हमने यहाँ पे मैं फील किया है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज्यादातर हाथी को देखने के लिए आ रहे हैं, एलिफेंट की उन्हें जरूरत महसूस हो रही है। लाहौर ज़ू में 2017 के बाद से कोई एलिफेंट नहीं है और हमारी कोशिश रही है इस अरसे में कि हम एलिफेंट को ज़ू का पार्ट बना सकें, लेकिन उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल लिमिटेशंस हैं, कुछ इंटरनेशनल जो हैं प्रोहिबिशंस हैं जिसकी वजह से एलिफेंट अब तक नहीं। लेकिन सुनने में आया कि 2 हाथी आ रहे हैं, एक कराची ज़ू में भेजा जाएगा और एक यहाँ भेजा जाएगा। नहीं, इस बात में अगर हम देखें ऑफिशियली तो फिलहाल कोई सदाकत नहीं है और ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जानवर के मुतालिक आप क्या बताएंगे कि अगर कोई कुदरती आफात जैसे होती हैं तूफान वगैरह तो उन्हें उस वक्त किस तरह से देखें, हर मौसम की मुख्तलिफ मैयर्स होती हैं, जैसे जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के हिसाब से मैयर ली जाती हैं, गर्मियों की मैयर्स होती हैं, फिर जब बरसात का मौसम होता है तो उस हिसाब से होती हैं, सर्दी से गर्मी में मौसम जा रहा होता है उस टाइम के लिए अलग होती हैं, गर्मी से सर्दी में जाता है उस वक्त की अलग होती हैं। तो चूँकि ज़ू में प्रॉपर वेटनरी स्टाफ मौजूद है, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, वेटनरी सुपरवाइज़र हैं, हेड कीपर और कीपर्स मौजूद हैं, ये हम टाइम टू टाइम जैसी ज़रूरत पड़ती है उसके मुताबिक हम मैयर्स ले रहे होते हैं। आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा किल्लत किस जानवर की है? देखें, अगर हम दुनिया भर में जानवरों की स्पीशीज देखें तो वो तो बेतहाशा हैं, हम हर स्पीशी को यहाँ का पार्ट नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश यही है हमारी कि जो भी एनिमल्स यहाँ मौजूद हैं वो प्रॉपर पेयरिंग में हों, वो अपने प्रॉपर ग्रुप स्ट्रक्चर में हो, यही हमारी कोशिश है ताकि जो भी जानवर यहाँ रह रहा है चिड़ियाघर में वो एक कैदी जानवर ना हो, वो अगर कैद में भी है तो वो अपनी जो नेचुरल उसका जो एक लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो उसके मुताबिक रह रहा हो। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आज हम मौजूद है लाहौर चिड़ियाघर में, जहाँ पे हमने बहुत से बच्चों से बातें की और बहुत से बड़ों से बातें की सब, तो यहाँ पे हाथी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हम यहाँ की इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे हाथी कमी को जल्दी से पूरा करें। इसी के साथ इजाज़त दें आपकी होस्ट बुशा शफीक।